दोस्तों, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माई न्यू व्लॉग। तो आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं तो फ्रेश अप होकर आ चुका हूँ, देखो, और अभी मंदिर वगैरह जाता हूँ। मंदिर जाके थोड़ा सा वहीं 5-10 मिनट पूजा वगैरह करके घर में आता हूँ वापस, और देखते हैं नाश्ता वास्ता कर लेता हूँ। और जो प्रेस के लिए कपड़े दिए हैं वो भी लेकर आना है मेरे को, वो भी डालना है सूटकेस में, तो फिर देखते हैं। तो गाइस देखो, अभी थोड़ा थोड़ा सा पैकिंग बचा है, और अभी मैं लेकर आया हूँ प्रेस के कपड़े। ये सभी इसमें से कुछ डालने हैं, कुछ रख देने हैं, तो अभी इतना काम बचा है। बाकी ये तो बैग में सभी ऑलमोस्ट सामान आ चुका है, और ये एक दो कुछ टी शर्ट वगैरह पैंट वगैरह हैं, ये भी डाल दूँगा। तो देखते हैं, हो जाएगा अभी 10 मिनट में मैं कर दूँगा ये सभी पैकिंग जितना भी बचा है। ठीक है, फिर आपको फिर लंच के बाद मिलता हूँ। मेरा तो लंच वगैरह हो चुका है, और देखता हूँ अभी मम्मी को हॉस्पिटल लेके जाना है, उनका भी कुछ काम है, थोड़ा ड्रेसिंग वगैरह दोबारा से, मतलब तो वो एक हो जाएगा। 3:30 बजे जाऊँगा, और 1 घंटे का काम है, फिर आ जाऊँगा। बाकी पैकिंग वगैरह तो सभी ऑलमोस्ट हो चुका है, बस 7:30 बजे की है, तो देखते हैं अभी क्या क्या होगा, मतलब पैकिंग। फिर पापा वगैरह आ जाएंगे जल्दी 5:30 तक, तो वही गाड़ी में देख के सभी लोड करके सामान जाएंगे उधर बस स्टॉप में, तो तब मिलता हूँ आपको। तो गाइस मैं तो बस में बैठ चुका हूँ, और फ्रंट वाली सीट है अपनी, जगह उतनी है नहीं, दिखा देता हूँ आपको। ये देखो, इतने में ही ये देखो बैग इधर ही है, पैर भी इधर है मेरा। तो गाइस स्कैम बोलते हैं ना, स्कैम, तो असली वाला हमारे साथ हो गया यार आज। मतलब मैं 7:30 बजे बैठा हूँ बस में, और 7:30 बजे ये अपनी कंपनी का मेल आ रहा है कि भाई तुम्हारा डेट ऑफ ज्वाइनिंग आगे डाल दिया हमने। मारो हमको, मारो हमको, जिंदा मत छोड़ो सालो। बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो, क्योंकि बैकग्राउंड वेरिफिकेशन अभी क्लियर नहीं हुआ है। बताओ, मतलब ये कोई टाइमिंग है यार इनकी, मतलब ऐसे डालने की? मैं भी, मेरे को पता नहीं चलता था, मेरे फ्रेंड ने कॉल करके बोला कि ऐसा ऐसा है, तो तब मैंने चेक करा भाई ये क्या हो गया, भाई डेट ऑफ ज्वाइनिंग आगे हो गई। तो फिर वही हमने डिस्कस करा क्या करें भाई, कैसे करें अभी। तो मैंने बोला नहीं कुछ नहीं, कोई बात नहीं, एक हफ्ता उधर सेट हो जाएंगे, मतलब पीजी वगैरह ढूंढ के आराम से सामान रख के सेट हो जाएंगे एक हफ्ता, वही देख लेंगे आसपास की जगह वगैरह कैसी है, कंपनी कितना दूर है, क्या क्या हो सभी, तो वही है देखते हैं अभी। मतलब यार तब भी ये तो मतलब उन्होंने कंपलसरी बोल दिया था कि फिक्स है तुम्हारा, आगे कुछ भी पोस्टपोन नहीं करेंगे हम, डोंट वरी करके, लेकिन देखो भाई ऐसा कर दिया, कुछ भी नहीं कर सकते अभी, तो वेट ही करना पड़ेगा जब तक क्लियर नहीं हो जाता बैकग्राउंड वेरिफिकेशन, और लेट्स होप कि सभी ठीक हो जाए। गाइस इधर लाइट भी ऑफ कर दी उन्होंने, तो मैं आगे के रिकॉर्ड अपना फेस दिखा के तो नहीं बना सकता हूँ, तो देखते हैं अभी नींद आ जाएगी मेरे को थोड़ी देर में भी, एडिट वगैरह करके देखता हूँ, रेस्ट कर लेता हूँ, क्योंकि सुबह फिर उठना पड़ेगा मेरे को जल्दी 6 बजे, क्योंकि 6:30-7 बजे तक पहुँच जाएगी बस।
तो ठीक है, फिर इसी के साथ अपना आज का व्लॉग मैं ख़त्म करता हूँ। और जिन लोगों ने भी अब तक मेरे वीडियोस को शेयर करा है, लाइक करा है, सब्सक्राइब करा है चैनल को, तो प्लीज़ ऐसे ही सपोर्ट करते रहो, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। चलो बाय।